दोस्तों आज है हमारे यहाँ पर पारायण का दूसरा दिन और मेरा जो 10 डेज ब्लॉक चैलेंज है ना भाई, उसका भी दूसरा दिन है आज। आज जो है ना हम लोग एक इंटरेस्टिंग सा काम करने वाले, वो क्या मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है ना इन लोग कल्चरल डिपार्टमेंट में, ये है गंगोत्री दीदी है, उसके बाद फिर दीनानाथ काका है, प्रकाश दा है, इन लोगों ने क्या क्या इन लोगों ने मुझे फंसा दिया आज के डेट में। इन लोग बोल रहे हैं कि अभी मुझे आज मंच संचालन का काम करना पड़ेगा, है ना। हाँ, तो मैंने सोचा कि चलो घर ही देते हैं ना। आज का जो हमारा घर है ना भाई, वो घर पूरा मेहमानों से भरा हुआ है। अगर आप देखोगे तो हर रूम, ये जो रूम पैक है, बाहर वाले रूम में पापा मम्मी आए हुए हैं, ये मेरी फ्रेंड अंजलि आई हुई है, और ये गाइस, ये आज गाना भी गाने वाली है। बहुत बहुत अच्छा गाती है, स्कूल टाइम में बहुत ज्यादा फेमस थी, फाल्गुनी पाठक भाई। ये जो रूम है ये भी पैक है, इसमें पापा बैठे हुए हैं भाई, पापा और मम्मी है, तो पूरा घर भरा हुआ है। घर मतलब पूरा गांव भरा हुआ है, और गांव में मैं बताऊं आपको, बहुत सारे बाहर से लोग आए हैं, लेकिन भाई सबके लिए रहने का बंदोबस्त पूरे गांव में हो चुका है। सबके घर घर में उनको रखा जा रहा है, जो घर पे नहीं है उनको मंदिर पे अरेंजमेंट किया गया। अभी हम लोग चलते हैं मंदिर, और मंदिर में भाई जैसा कि मैंने आपको बोला, आज जो है ना आपके इस भाई का मंच संचालन का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो भाई जो प्रोग्राम होने वाला है वो आपको दिखाऊंगा। और मेरे साथ यहाँ पर देखो विनोद है, हम लोग दोनों अभी जो है वो निकल चुके हैं मंदिर के लिए, थोड़ी सी दूर है इस साइड, के बाद प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे। मंदिर में रात का माहौल कैसा होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा आज। ये गेट है देखो, और यहाँ से हम लोग घुसते हैं, तो रात का माहौल कुछ ऐसा है, रात को ऐसा दिखाई देगा। हेलो, की खबर तू बाल? ओके, अरे की खबर बाल? दे प्रणाम। रात का माहौल दिखा रहा हूँ मैं, कैसा है? अच्छा है कि नहीं रात का माहौल? तुम लोग के लिए तो और ज्यादा अच्छा है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? रात का माहौल देखो यार, ऑसम। यहाँ पर पार्किंग का व्यवस्था किया गया है, गाड़ी यहाँ पर है, और ये रोड देखो, तो एक ऑसम सा मजा रात के टाइम पर। हेलो, की खबर था, कुछ जाए? अच्छा ठीक है, पार्क कर दिया। तो भाई देखो, ये माहौल कुछ अच्छा नहीं लग रहा है आपको रात को? और जैसा कि मैंने आपको हमेशा बोला है कि भाई ये जो माहौल है ना, ये हमेशा नहीं होता है, कभी कभार ही ऐसा देखने को मिलता है। देखो भाई, ये खाने वाली जगह, और भाई इसको देखो। हेलो, क्या खबर? कल आप लोगों ने जो मेरा कार्यक्रम, नहीं यार स्टोरी देखा होगा ना, स्टोरी में यही था मेरे साथ, गंदा सा शकल जो साथ में हैंडसम बंदे के सामने दिखाई दे रहा था, ये वही बंदा है। और ये विराज कैसा है भाई? बढ़िया, मजा आ रहा है? नहीं, तुम लोग का तो दिन है भाई, तुम लोग को ज्यादा मजा आएगा, है ना। हम लोग का दिन बीत चुका है, अभी तुम लोग का ही है, तुम लोग पूरा मस्ती करो। चलो भाई देखते हैं आगे। जैसे मैंने बोला, ये जो जगह है ना देखो, यहाँ पर खाने का व्यवस्था जो भी हो रहा है वो यहाँ पर है, मार्केट वगैरह जो भी है यहाँ पर है, और मैं सब कुछ जो है आज ही इसी वीडियो में नहीं दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखो, ये छोटी छोटी दुकानें हैं भाई, फ्रूट्स वगैरह भी लेना है तो मिल जाएगा, बाकी कुछ भी चिप्स वगैरह जो छोटे बच्चों को ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। और अभी जाएंगे हम लोग वहाँ पर भाई, मंच पर जाएंगे हम लोग, जो मंच है जहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है। तो जो जगह आप देख रहे थे उस दिन, जिसको हम बना रहे थे भाई, आपने देखा होगा कि पूरा भी नहीं हुआ था, वो जगह आज कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। और भाई आगे जो मंदिर है जो मैंने आपको दिखाया था, वो वेरी गुड इवनिंग, वो जो जगह है जो मैंने आपको दिखाया था, वो भी आज के टाइम में कुछ अमेजिंग लग रहा है, कुछ अलग लग रहा है। अभी आप देखो, उसके बाद आप बताना कि क्या बिल्कुल अलग नहीं है, या फिर जैसा था वैसा ही लग रहा है वो जगह। तो आप देखना, कुछ अलग आपको शायद महसूस होगा। जो लाइट है वो उस दिन जब मैं दिखा रहा था आपको, तो ये लगे भी नहीं थे, अभी लाइट लगे हुए, लेकिन फिर भी भाई वो वाला ब्राइटनेस बिल्कुल भी नहीं है लाइट का, जो मेरे हिसाब से होना चाहिए था वो ब्राइटनेस बिल्कुल भी नहीं, और ज्यादा होना चाहिए था तब मजा आता। ऐसा लगना चाहिए कि भाई दिन का उजाला है, मतलब अभी भी लग रहा है कि अंधेरे में। लोग ना अप डाउन कर रहे हैं, ये सारे लोग जो है वो मंदिर से आ रहे हैं, इस साइड मंदिर है तो मंदिर से आ रहे हैं। अभी हम लोग भी उसी मंदिर में जाएंगे और वहीं पर जो है प्रोग्राम होने वाला। ये देखो, ये मंदिर का गेट है, और ये जो माहौल है, ये जो उस दिन का माहौल था उससे कुछ अलग लग रहा है कि नहीं, आप लोग बताओ। देखो भाई, हाँ तुम लोग, हेलो, इन लोग भी है, देखा, इन लोग जबरदस्ती आना चाहते हैं क्या? मैं तो व्लॉग बनाने के पहले से ही बहुत एक्साइटेड थी। हाँ, क्यों व्लॉग में आएगी? और तुम लोग भी थे क्या? तुम लोग व्लॉग के लिए आए हो, प्रोग्राम देखने नहीं आए? प्रोग्राम देखने कम से कम भगवान का दर्शन करने तो आज आया करो यार, व्लॉग के लिए आते हैं, देखो ऐसे थोड़ी होता है भाई। ये देखो माहौल,
ये कुछ अलग लग रहा है कि नहीं, आप बताओ। देखो मंदिर, मंदिर भी कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है अभी। और ये यहाँ पर देखो, उस दिन किस कैसा दिखाई दे रहा था और आज का कुछ अलग माहौल है। अंधेरे में वहाँ पर झंडे लगे हुए हैं भाई, ये धाम है अंदर का, सब लोग खड़े हैं। आपने यहाँ पर अभी पूजा हो रहा है और इसके बाद भाई हम लोग जाएंगे मंच की तरफ, वहाँ भी देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। और मंच का आज जो भी कार्यक्रम होने वाला है वो हम देखेंगे। पूजा वगैरह जो भी यहाँ पर हो रहा है, मतलब जो भी पारायण पढ़ा जा रहा है, जो भागवत कथा हो रही है, मैं वो भी आपको श्रवण कराऊंगा, उसका भी दिन आएगा। लेकिन आज का दिन जो है, आज का दिन मंच का प्रोग्राम देखने का है। देखो आप लोग, सब लोग बैठे हुए, ये जो है ये सेवा के लिए है। मतलब कोई भी अगर चाहता है कि सेवा करे, जैसे पारायण देना है या फिर और कोई सेवा, तो यहाँ पर बैठ करके किया जा सकता है। मैं भी एक छोटा सा सेवा कर रहा हूँ, क्या है वो नहीं बताऊंगा। बहुत धन्यवाद भैया, प्रणाम जी। तो गाइस ये है, मेरी सेवा के लिए मुझे मिला है एक प्रणाम लिखा हुआ है, ये रुमाल है एक, और इसके साथ साथ प्रसाद है, और जो रिसीप है वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्या रिसीप है। ये मंच है और मैं आपको बताऊँ, ये थोड़ी देर बाद जो है ना वो खचाखच भर जाएगा। ये सारी कुर्सियाँ जो आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर बहुत सारी कुर्सियाँ हैं, ये सारी कुर्सियाँ भर चुकी होंगी, लोग यहाँ पर होंगे। और आगे जो मंच दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम होने वाले हैं। सीट रिजर्व करिए क्या भाई? होइन कहाँ पर आएको भाइहरू? 9 जन हो? अच्छा, तो भाई ये लोग भी बाहर से आए हुए मेहमान है हमारे, 9 जन से आए हैं। तो ये जो स्टेज है ना, ये थोड़ी देर बाद आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर डांस परफॉर्मेंसेस होंगे और जो भी प्रोग्राम है भजन होगा, और उसके साथ साथ लोग यहाँ पर बैठ करके देखेंगे भाई, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। प्रणाम जी, आप लोग कहाँ से आए हो यार? यहीं के हो क्या? पहले देखा नहीं आप? अच्छा मतलब बाहर से हो ना? हाँ तो बिश्वनाथ चार यहाँ का थोड़े हो गया तो? अच्छा इसने बोला है तो आपको देखा नहीं है मैंने पहले? देखा है मैंने, मार खाऊंगा अभी मैं जानता हूँ वांझी साहिब भाई, मर जाऊंगा मैं ज्यादा छेड़खानी करूंगा। तो यहाँ पर भी बैठ के देखा जा सकता है गुरुजनों के लिए। देखो ऊपर स्टेज, और आज इस स्टेज पर ना भाई, यहाँ पर आपका भाई होने वाला है, आपका ये भाई यहाँ पर होगा आज भाई, मजा आने वाला। यहाँ पर इतने सारे दर्शक होंगे, इतने सारे लोग होंगे, और आपका ये भाई यहाँ पर होगा। ये देखो, ये स्टेज है, यहाँ पर गुरुजन बैठते हैं, तो जो भी डांस परफॉर्मेंस होने वाला है वो यहाँ पर होता है भाई। ये साउंड सिस्टम का सब कुछ यहाँ पर करके रखा है। उस दिन ये मंच कैसा दिखाई दे रहा था आपको, आज देखो आज कैसा है, बड़ा सा मंच, बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं। उस दिन थोड़ा अलग टाइप का दिखाई दे रहा था ना भाई, आज थोड़ा कल्चरल प्रोग्राम का एंजॉय करते हैं हम लोग। आप लोग कहाँ से आए हो मुझे बता सकते हैं? मादरी हाट। आप? लखीमपुर। और आप? सुखलाई। बाप रे, देखो सब अलग अलग जगह के हैं यहाँ में, ऐसे ना आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। मादरी हाट, ठीक है, सुखलाई और विश्वनाथ चारली, लखीमपुर, सॉरी गलती से मिस्टेक, हमारे गाँव के हैं, इनसे बातचीत नहीं करना है, अपने गाँव के भाई, बाहर वालों से बात करना है थोड़ा। तो भाई बहुत सारे लोग हैं अलग अलग जगह से, अभी नेपाल के भी बहुत सारे लोग मिलेंगे शायद यहाँ पर। लोगों का आने का सिलसिला है वो मतलब बढ़ता जा रहा है, लोग यहाँ पर आते जाएंगे, और उस तरफ जो मंच है ना जहाँ पर, वहाँ पर लोग आते जाएंगे। आप देखो और भी बहुत सारे लोग आते रहेंगे स्लोली, क्योंकि जो प्रोग्राम है वो 7 बजे का टाइम है, हम 7 बजे तक का इंतज़ार करते हैं, देखते हैं भाई कैसा होने वाला है अपना जो आज करेंगे ना भाई, वो कैसा होगा थोड़ी देर बाद में देखेंगे। मैं बोल रहा हूँ आपको माँ कसम, इन लोगों ने ना मेरा कल से दिमाग खराब करके रखा हुआ है, बोलते हैं कि हम लोग को वीडियो में दिखा नहीं रहे, ये भांजे साहब है हमारे, इनको मतलब चेहरे आने चाहिए, मतलब ना वीडियो में तो आए नहीं थे, आ गया ना अभी, खुश हो गया? कितना खुश? ऐसे झूठ बोल रहा है, तू खुश हुआ? ऐसे बोल रहा है ना, ठीक है ओके बाय, आ गए तुम लोग भी बाय भाई। बच्चों का एक अलग अलग इंटरेस्ट है, अलग लेवल है, क्या ही बोलूं मैं।
देखो लोगों का जाने का सिलसिला भी चालू हो गया, मतलब लोग जा भी रहे हैं यहाँ पर, दो एक दो और तीन गाड़ी यहाँ पर लगे हुए, इसमें जो लोग हैं वो जा रहे हैं, मतलब उनका पारायण का खत्म हो गया आज का कोटा। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं ना भाई, सबका अपना अपना प्रॉब्लम्स होते हैं, तो लोग अभी जा भी रहे भाई। देखो भाई लोग यहाँ पर जमा होने शुरू हो चुके हैं, बहुत सारे लोग धीरे धीरे करके सीट को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और भाई मैं भी आ गया हूँ, क्योंकि मैंने जैसे बोला मंच पे आज मुझे जाना है और मुझे ढूंढा जा रहा है भाई, मैं गायब हो गया था थोड़ा, तो अभी पहले मंच की ओर जाते हैं। भाई मेरे को फंसाने वाले ना इन लोग हैं, इन लोगों ने फंसाया, देखो आश्रय तो सब लोग मिलकर फंसा दिया है, प्रकाश था फंसा दिया है, ठीक है ठीक है, मजा आएगा, बहुत अच्छा स्टोरिंग कर रहे हो, एंकरिंग बहुत अच्छा करते हैं, इसलिए मुझे का देखा का है उसको देखने की इच्छा है, इसलिए देखा का है, हमने देखा का है ऐसे। चलो गाइस अभी थोड़ी देर में हम लोग प्रोग्राम शुरू करेंगे, लोग यहाँ पर आ चुके हैं, बस इधर और एक दो लोगों की कमी है। कसम भाई घबराहट हो रही है, अब जैसे समय करीब आता जा रहा है ना, मतलब जब मुझे स्टेज पे जाकर के कुछ बोलना है तो थोड़ी घबराहट महसूस हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं भाई कर लेंगे। सबसे बड़ा बात ये कि धार्मिक है, और धार्मिक में ना भाई बहुत शब्दों का चयन करना पड़ता है, इसीलिए